पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगने वाला है बड़ा झटका। बंगाल का एक और होने जा रहा है विभाजन। उत्तर बंगाल के कई जिले मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की हो गई है चर्चा। दिल्ली में राज्यपाल के साथ अमित शाह की मुलाकात के हैं कई मायने। बीजेपी के नेता ने कर दिया है बड़ा खुलासा। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक और विभाजन की तरफ बढ़ चला है। उत्तर बंगाल के कई जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की चर्चा तेज से गर्म हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी जिनके वोटरों पर अभी तक वो जीत दर्ज करती आई हैं, अब इस बार उनको बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल खास करके पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से जुड़े और नेपाल के उन इलाकों को चिन्हित किया गया, उन जिलों को चिन्हित किया गया जहां बड़े पैमाने पर घुसपैठी और जिहादी अपना अड्डा बना रखे, और उन्हीं के दम पर ममता बनर्जी उन्हीं के वोटों पर राज कर रही हैं। ऐसे कई जिलों को चिन्हित किया गया है और जिन इलाकों में सबसे बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विभाजन को लेकर सुगवाट बीजेपी नेता के बयान से ही निकल गया है। उत्तर बंगाल के कई जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित बनाए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उठने लगी है। एक नेपाली समाचार पत्र ने भाजपा सांसद जॉन बरला के हवाले से इस आशय पर खबर भी प्रकाशित कर दी है। नेपाली समाचार पत्र के मुताबिक जॉन बरला का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के जिलों में मोटी कमाई करती है, लेकिन इसके विकास पर ध्यान नहीं देती है। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के तमाम जिले उपेक्षित हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा सके, और वो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी इसकी मांग की है। दरअसल भाजपा सूत्रों ने बताया है कि दार्जिलिंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, अलीपुरदार, उत्तरी दिजनापुर और दक्षिणी दनाजपुर को मिलाकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे तर्क यह दिया गया है कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से बंगाल में होने वाली घुसपैठ का चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच ड्रैगन में भी असुरक्षा का भाव है, इसलिए केंद्र सरकार को बंगाल के इन 7 जिलों को मिलाकर नए केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए ताकि घुसपैठ आदि के मुद्दे पर राज्य के साथ कोई विवाद न रह जाए। उत्तर बंगाल के लोग लंबे अरसे से ऐसी मांग करते आ रहे हैं। वर्ष 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए इस राज्य को 3 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उत्तर बंगाल की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस तर्ज पर बंगाल के पहाड़ी जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का दर्जे की मांग की थी। दरअसल लंबे अरसे से अलग गोरखालैंड की भी मांग पार्टियों की कर रहे हैं। पार्टियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लेह की तरह दार्जिलिंग को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना बेहतरीन विकल्प होगा। दरअसल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी का कहना है कि दार्जिलिंग के लोगों की मांग भी पूरी होनी चाहिए, और कहा है कि दार्जिलिंग तराई और डुआर्स को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। हालांकि अब दार्जिलिंग की बात बाद में, पहले इन जिलों की आप भौगर्भिक और भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए, और यहाँ के कैसे कैसे वोटर हैं, और यहाँ ममता बनर्जी के पार्टी का प्रभाव कितना है और बीजेपी की पार्टी का प्रभाव कितना है, इस यहाँ पर इस इलाके के बारे में समझ लीजिए। दरअसल 7 से 8 जिले को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की बात हो रही है। ये जिले आपको बता दें कि बांग्लादेश और नेपाल से सटे हुए हैं। पहली बात, इस बात को समझ लीजिए, बांग्लादेश से सटे का मतलब बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ है और घुसपैठ हो चुका है और घुसपैठ हो भी रहा है, जिसको रोकने में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं। दरअसल नाकामयाब कहें या फिर जानबूझकर कहें, इस बात को समझिए कि ममता बनर्जी किन के वोटरों पर पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम बंगाल बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए मुस्लिमों के वोटरों पर अपनी सरकार चला रही हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी इन वोटरों पर एक तरीके से राज करने के लिए ये बातें कही हैं, जिस वजह से दार्जिलिंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और अलीपुरदार, उत्तरी दिजनापुर, दक्षिणी दिजनापुर, ये वो इलाके हैं जहाँ बड़े पैमाने पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, और यहाँ पर ममता बनर्जी के पार्टी TMC का दबदबा है। दबदबा इसलिए है क्योंकि हमने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी भी आ चुके हैं, जिस वजह से ममता बनर्जी ने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ के साथ साथ इलीगल काम भी होते हैं, हिंदुओं पर भी अत्याचार है। ऐसे में कानून व्यवस्था की सिचुएशन ममता बनर्जी के हाथों में है, और यही कारण है कि अभी भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है।
जिस वजह से सिक्किम शासित प्रदेश बनाए जाने पर भी जोर हो रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी देखें तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक राज्यपाल ने जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, उससे हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि कोई नया राज्य बनने वाला है। इस बात को जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने बल दिया है, उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी के इस नेता पर ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जॉन बराला के अलग राज्यों के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकिर हुसैन ने जॉन बराला के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। समाचार पत्र के हवाले से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जॉन बराला ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के कई जिलों में मोटी कमाई करती है लेकिन उसके विकास पर ध्यान नहीं देती है। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जिलिंग और कई जगहों को उपेक्षित रखा है। इस वजह से गृहमंत्री अमित शाह इसे अलग राज्य के शासित प्रदेश बनाएंगे। अब इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता ने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। हालांकि ये तो विरोध की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट जो लग रहा है वो यही है और मांग भी तेज उठी है। आपको क्या लग रहा है कि इन इलाकों को जो यहाँ पर घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुए हैं, अगर आप भी मानते हैं कि उन जिलों की मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए जिसका सीधा प्रभार राज्यपाल के हाथों में होना चाहिए, केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और बड़ी खबर बंगाल से निकल के आ रही, ममता बनर्जी को झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल अंतरिम आदेश पर स्टे के लिए ममता हाईकोर्ट पहुंची है, लेकिन शनिवार को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने NHRC को जांच सौंप दी है मानवाधिकार को। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई थी, वो मामला गर्म होता चला जा रहा है। ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ये दावा करती आ रही हैं कि सब कुछ चंगा से, सब कुछ पश्चिम बंगाल में चंगा से, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से हत्याएं हुई है हिंदुओं की और बीजेपी कार्यकर्ताओं से, उसके बाद ममता बनर्जी के क्रियाकलाप पर सवाल खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेता डर के मारे TMC ज्वाइन कर रहे हैं। आपने भी इन दिनों खबरों में देखी होगी कि कैसे बीजेपी के बड़े पैमाने पर नेता TMC ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल TMC ज्वाइन कर नहीं रहे हैं, उन्हें डरा धमका कर TMC ज्वाइन कराया जा रहा है। जिस तरीके से रक्तपात चुनाव के बाद हुआ था, जो कि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि चुनाव जीतने के बाद खेला होवे, तो खेला हो रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की, विश्व हिंदू परिषद की, RSS नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। यहां तक कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था उनकी हत्याएं हो रही हैं। और इसी को देखते हुए NHRC ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने NHRC को ये मामला सौंप दिया है। ममता बनर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश भी दिया था और फटकार भी लगाई थी, जिसमें एक कमेटी भी गठित की थी जो जाँच के लिए गई थी। गृह मंत्रालय ने भी 4 सदस्यीय टीम को भेजा था और हिंसा की जाँच सीधा सीधा चल रहा है और अभी भी हिंसाएं हो रही हैं। बीजेपी के नेताओं पर और TMC के नेताओं द्वारा ही हिंसाएं कराई जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी नहीं सुधरी हैं। यही कारण है कि राज्यपाल और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, उसके बावजूद भी वहां सुधार होता नहीं दिख रहा है और हिंसाएं बढ़ रही हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट स्टे के लिए ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची। हालांकि शनिवार को कोर्ट ने NHRC को भी जाँच सौंप दिया है और ममता बनर्जी तो रडार में आएंगी आने वाले समय में, चाहे राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगाना पड़े। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति शासन और कई जिलों को, जिन जिलों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ है वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश उन जिलों को मिलाकर बनाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।